है लाहौल एंड यहाँ से कुछ 1.5 घंटे का रास्ता है एंड पूरे रास्ते हमें कुछ इस तरीके का व्यू मिला है जहाँ पे कुछ माउंटेन्स बर्फ वाले हैं, कुछ सैंड, कुछ ट्रीज। सो दिस वॉज द व्यू टिल वी रीच कोक्सर। अभी हमने रास्ते में रुक के इस शॉप से ये आउटफिट लिया है, ये हमें स्नो में पहन के वॉक करने में हेल्प करेगा, ठंड से बचाएगा। सो ये जो आउटफिट है ये हमें लाइक स्कीइंग और एक ट्यूब राइड है उसको इंक्लूड करके हमें ये पड़ा है 3000 का। एंड हमने हैंड ग्लव्स लिए हैं, बीनी लिया है एंड ये ग्लासेस लिए हैं। दीज आर नेसेसरी बिकॉज वो सन का रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा मतलब इशू होता है, तो दे सेड कि बेटर है कि आप खरीद लो एंड दैट्स द रीज़न वी बॉट एवरीथिंग। सो अब हम निकलेंगे यहाँ से एंड इवन वन इंस्ट्रक्टर इज़ गोइंग विद अस, सो ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस। इंस्ट्रक्टर इज़ ऑल्सो गोइंग विद अस, सो ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस डू ईच एंड एवरी थिंग। एंड स्विंग शूज़ चाहिए होते हैं, सो दिस इज़ वॉट वी गॉट। इस तरीके के आउटफिट पूरे रास्ते स्ट्रीट्स पे मिल रहे थे एंड वहाँ पहुँच के भी हमें वो आउटफिट्स दिखे, सो आप वहाँ से भी रेंट पे ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट दिस लोकेशन इज़ सोलांग वैली। दिस इज़ अगेन अ पॉपुलर डेस्टिनेशन इन मनाली। यहाँ पे सारे एडवेंचरस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक पैराग्लाइडिंग, बाइकिंग, ट्रैकिंग, सिप लाइनिंग, सब यहीं पे होता है। एंड इवन वन कैन टेक रोप वे टू हाइएस्ट पॉइंट एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड नेचर। But it was April month, so there was no snow here. That's the reason we went to Koksar for snow. And जो skiing competitions होते हैं वो इसी सोलांग वैली में होते हैं, because ठंडी के मौसम में यहाँ पे पूरा snow से cover होता है ये area. Now we are gonna enter this Atal Tunnel, जो कि अभी नई बनी है December 2020 में. And this is named after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And let me tell you, this is the longest highway single tube tunnel that is 9.2 kilometer above 10,000 feet in the world. We were around 7 kilometers away from Koksar now. So, पहुँचने ही वाले थे and I was really really excited because it was my first time in snow. And जैसे ही Atal Tunnel cross करके आगे आए, the view was breathtaking. I got to see from so close these mountains which were full of snow. जो हमने दूर से देखा था, जो हम दूर से देख रहे थे, उसके एकदम close आ चुके थे and this feeling was again something which I can't put into words because it was so different. The aura, the vibe in air was quite calming. And the river you see here is Chandra River and in winters this is the coldest place in Lahore. ये जो नदी है ये भी freeze हो जाती है in winters and it is also covered with snow. So हम लोग आ गए हैं कोक्सर and यहीं पे हम करेंगे हमारी skiing. इधर से हम जा रहे थे एक flat place पे जहाँ हम skiing कर पाए। ये skiing की training चल रही है यहाँ पे। He is helping him to ski. यहाँ पे काफ़ी रश है, बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, बट इट्स ओके। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ही एंड मी बोथ वर एबल टू डू इट ऑन आर ओन एंड यस हम लोग गिरे भी, बट इट्स ऑल राइट, इट वॉज फन इन स्नो। एंड जो आप ये देख रहे हो बाइक्स, ये बाइक राइड्स भी हो रही थी यहाँ पे। वी डिडंट डू इट बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस टू डू, कोई और ड्राइव कर रहा है तो क्या ही मज़ा। एंड देन आफ्टर सम टाइम जब स्कीइंग वगैरह सब कर लिया हमने, वी स्टार्टेड प्लेइंग विद द स्नो, थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया। एंड लेट मी टेल यू, काफ़ी गर्मी थी इवन दो वी वर ऑन स्नो, बट इट वॉज रियली रियली हॉट। While returning, we visited this very popular Vashishth temple, which is named after Rishi Vashishth. So, according to legend, the Rishi Vashishth was left depressed when he found out that his children have been killed by Vishwamitra. उन्होंने suicide करने की कोशिश करी river में, but the river refused to kill him, and then he started living his new life in this village. This is 4000 year old temple and inside the temple there is a black stone image of Rishi wearing dhoti and it also has hot water spring which is believed to have medicinal value. So if you take a dip in it, you are going to get rid of all the skin infections you have. This is what it is believed here. And there are two separate places, one for male and one for female to take dips.
सो वी आर एट दिस रैंडम प्लेस जो मुझे दूर से दिख के अच्छा लगा. सो वी थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड दिस इज़ वेरी कामिंग एंड सूदिंग. ये जो आवाज़ है ना पानी की, बहुत ही सूदिंग है. सो दैट्स आई एम हियर टू हैव पीस फॉर सम टाइम.